कहाँ ले गए चोर? है कहाँ ले गए चोर? हेलो दोस्तों, आज सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल तेजू कुशल ब्लॉग में। आज सभी स्वस्थ मस्त होंगे तो मैं भी स्वस्थ हूँ। तो आज मैं अपनी वीडियो की शुरुआत सुबह के 9:30 बजे से कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आज सभी की गुड मॉर्निंग। तो मैं अभी अपने मुर्गे फार्म हूँ और मैंने मुर्गे को बाहर निकाल रखा है धूप सेकने के लिए। तो मैं अभी इनके नीचे का गोबर निकालूंगा क्योंकि यहाँ बहुत सारा गोबर हो चुका है, तो यहाँ सफाई रखना भी चाहिए और ताकि मुर्गे पर गोबर भी ना लगे और ये बीमार भी ना पड़े। तो अभी मैं जा रहा हूँ गोबर निकालने के लिए। दोस्तों आप देख सकते हैं नीचे कितना सारा गोबर हो रखा है इनका, और वैसे गीला नहीं हो रखा बस सूखा हो रखा है और ये पूरी ज़मीन में चिपक चुका है। और अभी ये पानी के बर्तन और जो इनके खाने के बर्तन है तो उनको बाहर निकाल लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे पानी के बर्तन भी बाहर निकाल दिए और खाने के डब्बे भी, और इनमें नया पानी भरेगा उनके लिए और पहले गोबर निकालेंगे तब इनको अंदर रखेंगे। तो दोस्तों ये मोटा मोटा गोबर तो निकाल दिया मैंने, और यहाँ पे पत्ते इसीलिए पिसाते हम ताकि गोबर निकालने में परेशानी ना हो, और इन पत्तियों की वजह से इतना बदबू भी नहीं आता मुर्गे का। और इसे ये तो आसान हुआ निकालने में, पर जो ये चिपका हुआ है नीचे तो इसको निकालने में होगा भी मुश्किल। तो दोस्तों मैं यहाँ गोबर निकालने में लगा था, ऊपर बांझ आ चुका है और ये मुझे गोबर भी नहीं निकाल दे रहा है और नजदीक नजदीक आ जा रहा है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे घूम रहा है मुर्गे के ऊपर और इधर उधर भी नहीं भाग रहा है, और मुझे ऊपर जाना पड़ेगा मुर्गे के साथ। और ये वाला जबरदस्ती भी करता है, कितनी बार आ चुका है ये वाला। मुर्गिया नीचे भाग के यहाँ पर आ गए और कोई ऊपर छुप गए मुर्गिया, और अब तो थोड़ा ऊपर के लिए चला गया तब कुत्ता भौंका और कुत्ते के डर से भाग गया। अभी भी यहीं पे घूम रहा है, कुछ पता नहीं कहीं पे छुप सकता है और मुर्गी लेके भी जा सकता है क्योंकि परसों भी एक मुर्गी लेके गया था। तो यहाँ पे ये पत्तियों वाला गोबर तो नीचे फेंक दिया मैंने, और अब आप देखिए नीचे किस तरह से चिपक रखा है, और वो बिल्कुल नहीं निकल रहा है और बहुत टाइम लग रहा है उसे निकालने में, और इधर से तो निकाल दिया मैंने। तो दोस्तों मैंने गोबर साफ कर लिया और इसको साफ करने में पूरे 1.5 घंटे लगे, और आप देख सकते हैं मैंने नीचे फर्श बिल्कुल चमका दिया है। तो दोस्तों मैं पहले मुर्गियों को अंदर डालता हूँ क्योंकि यहाँ पे चील और बांज बहुत परेशान कर रहे हैं मुर्गियों को, और अभी टाइम 11 बज चुके हैं तो उनको अंदर डाल देते हैं, फिर इसके बाद गोबर फेंकेंगे यहाँ से इधर। तो यहाँ पे गोबर भी निकाल दिया मैंने, और इधर गोबर के ढेर में भी फेंक के आ गया मैं। तो अब मैं धोता हूँ हाथ मुँह और इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे माल्टा खाता हूँ। दोस्तों शाम के 3 बज चुके हैं और मैं मुर्गे फार्म से दिन में घर आ गया था 1 बजे के करीब, और खाना खाया इसके बाद मैं थोड़ा सा सो गया था क्योंकि मुझे नींद आ गई थी। मैं फ़ोन चला रहा था बिस्तर में और फोन चलाते चलाते मुझे नींद आ गई। तो अभी तो अंदर चक्की लगा रखी है और यहाँ किसी ने पीसने के लिए रखा हुआ था, तो उसे पीस रहा है अभी चक्की में,
तो अभी मैं ऊपर खेत में जा रहा हूँ और आलू के लिए मीड काटूंगा और फिर इसमें आलू लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारी चक्की है और आप देख सकते हैं ये बिजली पे चलने वाली चक्की है और इसमें हमने ये पट्टा लगा रखा और बेल्ट तो जल्दी टूट जाता है इसलिए हमने ये बड़ा वाला पट्टा लगा रखा है इसमें। और एक चक्की ये भी थी तो अब हम एक ही चक्की से चलाते हैं क्योंकि अब पीसने के लिए कम आते हैं अब क्योंकि घर घर चक्की हो चुकी है। तो दोस्तों इसी वाले खेत में लगाएंगे हम आलू और इसमें पहले ये आलू के लिए मेड़ काट देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आलू के मेड़ भी काट दिए आप देख सकते हैं पूरे खेत में काट दिए आलू मेरे पापा लगाएंगे इसमें। तो अभी मैं जा रहा हूँ गौशाला अपने बैलों को लेके और उनको बांधेंगे अंदर। तो मैंने ये हुडी भी पहन ली क्योंकि धूप जाने वाली और ठंडा होने वाला है। तो हमारे बैल चले गए नीचे और मुझे फटाफट जाना पड़ेगा क्यों नहीं किसी के गौशाला में जाएंगे या किसी के खेत में चले जाएंगे तो लोग गाली देंगे तो मुझे फटाफट दौड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने बैलों को अंदर बांध दिया और इनके चक्कर में मैं छाने की बाल्टी लाना भूल गया जिसमें भैंस का दूध निकालेंगे। तो मुझे फिर से घर जाना पड़ेगा और इस बाल्टी को लेके आना पड़ेगा। तो मैं पहुंच चुका अपने भैंस वाले गौशाले में और ये भैंस मुझको अंदर नहीं आने देगा क्योंकि ये नया भैंस लेके आए अभी एक महीना हुआ इसे। तो मैं यहाँ कम भी आता हूँ तो इसीलिए मेरे से डरता है और यहाँ पे बच्चे लोग देखे हुए हैं। क्या कर रहे हो? माल्टा खा रहे हो? अच्छा तो दोस्तों कैसे देख रहा है मुझे घूर घूर के और डर लगता है इसको देख के कहीं मुझे मारना ले। अब मुझे बाहर आना पड़ेगा। इस टाइम कुछ नहीं कर रहा। अरे रे रे दा। और यहाँ पे इसका बच्चा छोटा सा। तो अब भैंस को पानी भी पिलाते हैं। ले यहाँ पानी पी। दा 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 चल पैन पियो पैन। तो अभी मैं आ चुका हूँ ताऊ जी के घर में और यहाँ रोहित छुप चुका है तो रोहित को दिखाते। अरे रोहित कौन लुक तो मैंने देखे रोहित यो तो कौन लुको। तो रोहित का लापता हो गया और नीचे भाग गया रोहित है और रोहित पीछे छुप गया पता नहीं है कुछ ना। और यहाँ नीचे खेतों में गोबर फैला रहे हैं और कल इसमें हल लगाएंगे। और चाचा जी यहाँ पे कंडाली साफ कर रहे हैं और चाचा जी यहाँ पे डायलॉग मार रही है मेरे पे। और यहाँ पे चाचा जी ब्लॉगिंग का ब्लॉगिंग बनाने की कोशिश कर जाए। कहाँ लगे है चोर है कहाँ लगे जी चोर। और यहाँ पे ये छोटा सा बच्चा गोबर भी लेके जा रहा है। तो दोस्तों मैं अपने मुर्गे फार्म में पहुंच गया हूँ तो ठंड काफी हो रही तो मैं यहाँ पे आग सेक रहा हूँ। तो मैं अपनी वीडियो यहाँ पे एंड करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।